याद कीजिए हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता था, ये सिस्टम हमने माना है ना, ये सिस्टम हमारे साथ चल रहा है, एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस और ये क्या है जेड एक्सिस। अगर पोजीशन वेक्टर की बात करें तो पता ही आप लोग को, लेकिन अगर यूनिट वेक्टर की चर्चा करें तो यूनिट वेक्टर क्या है स्केलर होता है आई कैप, स्केलर यूनिट वेक्टर कौन सा कैप और स्केलर यूनिट वेक्टर कौन सा कैप के कैप। तो प्रॉब्लम इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे था, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे पार्टिकल था, क्या था इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था। अभी चला होगा तो कोई जरूरी तो नहीं है ना जी, कोई स्ट्रेट पाथ ही ट्रेवल करा होगा, वो कोई भी ट्रैजेक्टरी ऐसे चल सकता है, ऐसे 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 आकर के ऐसे आया था। यहाँ पे पार्टिकल का अगर वेक्टर की बात करें तो ये पॉइंट पी पे था, ये कहाँ पे पॉइंट किस पॉइंट पे था पी पे, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे आर जो वेक्टर है वो कहाँ पे कब, मैं मान लेता हूँ ऐसे टी कोस टाइम क्या था पी पॉइंट पे किस टाइम पे पहुंचा है टी टाइम पे, तो दैट इज आर इज द पोजिशन वेक्टर एट टाइम टी। पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर कितने टाइम पे जी टी पे, क्योंकि वेक्टर मैं पढ़ा हूँ तो वेक्टर का आइडिया होगा आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पोजिशन वेक्टर पढ़े हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर डिस्टेंस वगैरह तो पढ़े ही हो ना। अच्छा पार्टिकल चला, चलते चलते कहाँ पे आया जी, वो एग्जैक्ट पाथ तो यही कवर करा होगा ना, ऐसे जा रहा होगा ना, ऐसे 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 समझ रहे हो ना बाबू, ऐसे 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 यहाँ चल रहा हो। इसका पोजिशन वेक्टर कितना रहा, इसका पोजिशन वेक्टर क्या रहा, मान लेता हूँ आर ही रहा बोल सकते, लेकिन आर कब, जब टाइम टी प्लस डेल्टा टी लगा होगा, मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे पार्टिकल टी टाइम पे था, यहाँ पे टी प्लस डेल्टा टी। अब थोड़ा सा समझ सकते हो डेल्टा टी क्या, चेंज के लिए ना, मैं मान लेता हूँ 10:20 पे यहाँ पहुंचते पहुंचते उसको 10:30 हो गया, तो ऑब्वियस है दो डेल्टा टी का वैल्यू कितना रहा 10 मिनट, समझ आता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अगर बात करो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो यही होता है ना जी, शॉर्टेस्ट पाथ इन दैट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, और डिस्टेंस यही है, इसी को शायद हम लोग याद है ना, हम लोग क्या बोले थे बाबू डेल्टा आर बोले हुए थे, क्या बोले हुए थे डेल्टा आर, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा आर क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी वेरी गुड, और इसको शायद हमने बोला था ए डेल्टा एस था, इसको क्या बोला था हमने याद है, डेल्टा एस को हमने क्या बोला था डिस्टेंस बोला था, क्या बोला था डिस्टेंस। तो पार्टिकल डिस्टेंस कवर करता है, नो डाउट पार्टिकल डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन पार्टिकल अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कुछ हुआ होगा ना, समझ में आ रहा है ना। तो इस दौरान आप अगर डिस्टेंस को गौर करोगे और डिस्प्लेसमेंट पे गौर करोगे तो आता है दो अलग अलग क्वांटिटी आएगा। अगर डिस्टेंस पे गौर करें, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर करा और कितना टोटल टाइम लगा, उन दोनों का रेशियो ले लोगे तो एवरेज स्पीड दे देता है, और अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ उस दौरान जो टाइम लगा उनका रेशियो अगर लोगे तो क्या हो जाएगा एवरेज एवरेज वेलोसिटी, समझ रहे हो ना। तो अब समझिए जरा, मैं बार बार बोल रहा हूँ उसको समझेंगे, स्पीड है क्या, अगर बात करोगे तो स्पीड पढ़े हैं ना आप लोग जी, स्पीड क्या है, स्पीड क्या है बोल सकते हो ना, पढ़े हो ना, इसमें तो कोई जरूरत है ही नहीं या कुछ रटने की जरूरत है ही नहीं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो उस डेफिनेशन के साथ ही चिपके रहो, क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस वही स्पीड है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, क्लियर रहा। अब बता सकते हो अगर स्पीड स्केलर है वेक्टर, डिस्टेंस तो स्केलर है ना जी, तो अभी ऐसे स्पीड भी क्या रहा होगा स्केलर, यूनिट की बात करोगे तो स्पीड का यूनिट क्या रहा होगा मीटर पर सेकेंड, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करोगे तो क्या रहा होगा अरे LT-1। अब स्पीड में भी सोचना शुरू करोगे तो स्पीड दो तरह का ना, स्पीड कितने तरह का, दो तरह का, एक एवरेज स्पीड पूछ देगा, एवरेज स्पीड में किस पे गौर करोगे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम पे गौर करोगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट, ये बात समझ में आता है, इसमें कोई शक होना ही नहीं चाहिए, क्लियर ना। अच्छा जी और सोच करके बताओ जरा, अगर मैं बोलूं कि कभी भी अगर कोई कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है मगर लेकिन रिवर्स डायरेक्शन नहीं हो रहा है, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल इज इट, तो उस केस में डिस्टेंस की बात या डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करना ही बेकार है, बेवकूफी है, दोनों बराबर होगा तो एवरेज स्पीड भी बराबर होगा और एवरेज वेलोसिटी भी बराबर होगा, मतलब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर ही ना होगा, बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा गाड़ी वगैरह का बात करते हो, जैसे गाड़ी में लगा हुआ रहता है स्पीडोमीटर, वो क्या बताता है, अरे पता है ना इंस्टेंटेनियस स्पीड ही ना बताता है, वो नहीं देखते हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है, अब तो डिजिटल आने लगा है, तो ये सब याद रखना है।
तो छोटा छोटा सा बात है, इसको समझते चलिए, लिखिए फिर बात करेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, अब आप लोग थोड़ा सा बड़े हो ना तो ऐसे मत लिखते रहना स्पीड इज दैट या स्पीड इज डिफाइंड है, ऐसा नहीं, केवल बस इतना याद रखना द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, केवल ऐसे एरो दे दे करके लिखते रहोगे, समझ रहे हो ना, एरो देते जाना बढ़ते जाना। पहला एरो में क्या लिखा आपने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, अब समझ जाओगे ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। अब रेट ऑफ चेंज का जिक्र हुआ इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, जब भी रेट हो और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में ना, अगर कहीं अलग चीज बताना होगा जैसे बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ कुछ भी बोलना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बोलो या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन बोलो, तो एक ही चीज है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, रेट टर्म यूज हुआ है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर बोल देगा जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू कुछ भी, विथ रेस्पेक्ट टू कुछ भी वैल्यू दे देगा, तो वहां पे बोलना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू, समझ रहे हो ना। तो पहला चीज क्या लिखा आपने बताइए बाबू, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसमें कोई शक है ही नहीं। क्या लिखोगे, स्केलर क्वांटिटी, क्या है स्केलर क्वांटिटी, ये सब भी नहीं लिखते रहेंगे, इट इज स्केलर क्वांटिटी, समझ रहे हो ना, छोटा छोटा बात लिखो, ये सब पढ़ा हुआ सबका है, स्केलर क्वांटिटी, क्लियर। यूनिट क्या होगा बाबू, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला बाबू, एम जीरो एल टी माइनस वन, एल वन टी माइनस वन ही ना, डायमेंशनल फॉर्मूला यही हुआ ना बाबू, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, क्लियर। अच्छा ये सब चीज तो पढ़ा हुआ है, इसमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है नहीं। अब अगर स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड में दो तरह का स्पीड, कितने तरह का बाबू, दो तरह का, कौन कौन सा स्पीड, एक तो एवरेज स्पीड, एक तो एवरेज स्पीड और दूसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड, कौन सा स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, याद करो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, अगर बात करें तो एवरेज स्पीड क्या हो गया बाबू, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यही ना एवरेज स्पीड रहा। इसको ऐसा लिखो या सिंबल जो भी लिखना है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी डाल देता है लोग, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। वेक्टर का साइन नहीं है ऊपर, यही बतला रहा है कि ये स्पीड है ना। अच्छा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, अभी याद रखना भी, इंस्टेंटेनियस की अगर बात करें तो याद कीजिए, अभी अगर आप पढ़े हैं तो क्या होता है जी, लिमिट ले लेते हैं ना, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, मतलब छोटा सा डिस्टेंस के लिए क्या होगा, ये डीएस बाई डी टी, बात समझ में आता है ना, ये सब पढ़ा हुआ है पूरा, अच्छे से पढ़ाया हुआ डिफरेंशिएशन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो अब ये सब मत सोचना कि एवरेज स्पीड का यूनिट अलग हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड का यूनिट अलग हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ तो है नहीं ना जी, अरे एक ही चीज ना है बाबू लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अच्छा तो याद रखना एवरेज स्पीड की मैं बात कर रहा हूं अभी ना, एवरेज स्पीड आपने पढ़ा, क्या पढ़ा जी बाबू बताइए जरा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसमें ही रुझान ले अभी दिखाना है आप लोग को, ठीक है। अच्छा कोई प्रॉब्लम, अभी जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग चाहे कहीं पे भी अगर बात करें, हम लोग मोशन इन वन डी पढ़ रहे हैं, मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन की अगर चर्चा करोगे तो मोशन तीन तरह का हो सकता है, बहुत तरह का हो सकता है, तो वेरियस डायमेंशन पे वर्कआउट चल रहा है ना। लेकिन आपको अभी वन डी पढ़ना है और टू डी पढ़ना है, वन डी का मतलब एक लाइन में, वन डी मोशन समझते हो ना, एक लाइन के अलावा अगर मूव करेगा, वन डी मोशन मैं बार बार बोल रहा हूं, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन मतलब क्या, वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या, एक ही लाइन के अलावा मोशन हो रहा होगा, और टू डी मोशन का मतलब क्या, टू डायमेंशनल मोशन, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, वो सब कैसा मोशन है जी बाबू, टू डायमेंशनल मोशन। लेकिन अभी वन डी मोशन पढ़ना है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे मैं बता रहा हूं, जैसे अगर कहीं पे भी बोल दिया किसी पार्टिकल का वेलोसिटी भी है, क्या है, थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप, अभी बताओ वन डी वन डायमेंशनल मोशन की बात हो रहा है या टू डी टू डायमेंशनल की बात हो रहा है, ये वन डी मोशन है या टू डी मोशन है, अरे वन डायमेंशन का मोशन है, टू डी मोशन है,
थ्री डी मोशन है, समझ आ रहा है कि कौन सा मोशन हुआ है, थ्री डी मोशन। तो ये सब याद रखना है, कैसा मोशन हो गया ये, तो ये सब ब्लंडर मिस्टेक है ना, ये सब पर गौर करना है। अरे बेवकूफ ढोंढू लोग, आप सोचो कहीं भी जा रहा है कोई भी होगा तो ये एक लाइन ही ना रिप्रेजेंट कर रहा है जी, एक डायरेक्शन नहीं दे रहा है। इसका कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, थ्री कंपोनेंट स्केलर, इधर थ्री वाला ले लो, इधर एक्स के लॉन्ग, टू वाई के लॉन्ग और जेड के लॉन्ग कितना, फाइव, ऐसे ही ना जा रहा होगा तीर से। अभी बताओ ऐसे डायरेक्शन दिखा रहा होती, वन डायमेंशन है, टू डायमेंशन है या थ्री डायमेंशन, वन डी ही मोशन। बात समझ में आ रहा है, मतलब ये थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि ऐसा रहा थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप है। वेलोसिटी का डायरेक्शन तो टू डी है, टू डी वेलोसिटी नहीं है, वन डी वेलोसिटी है। क्या है, कौन सा वेलोसिटी है, वन डायमेंशनल है, कौन सा वेलोसिटी है, वन डायमेंशनल। तो मेरा कहने का मतलब अगर वन डी की अगर बात कर रहे हैं तो कहीं पे भी अगर वन डी आपको दे, कहीं पे भी वन डी दे तो उसके लोग क्या मान लो आप, एक्स एक्सिस सेट कर दो, क्या सेट करोगे आप, वन डायमेंशन रहा ना जी ऐसे। अब हम लोग इसी के लोग मान लेंगे ऐसे, एक ही लाइन ना रहा, किसी के लोग को एक्सिस मान लेंगे, एक्स एक्सिस, क्या दिक्कत है उसमें। अरे वो तो हम पे डिपेंड करता है ना, आप गौर करके देखो यहाँ पे, सोचो जरा, ए कोऑर्डिनेट था जी यहाँ पे, एक्स एक्स वाई और जेड वाला था। अगर कोऑर्डिनेट को सेट भी करो अलग अलग तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेंज करेगा क्या, अरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेंज करेगा क्या, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे अगर कहीं पे भी रिफरेंस फ्रेम, इसको देखो यहां से पार्टिकल यहां चला है, ये वाला कहीं पे भी रखते तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेंज करता क्या, इन दोनों पार्टिकल के बीच जो डिस्टेंस होता वही ना होता जी बाबू, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट को लेना देना है कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वैल्यू तो वही ना रहा होगा। अभी भी नहीं समझ आ रहा, मतलब ये वन डी ही ना है, ये कौन सा वन डी ही ना है जी, बात समझ में आ रहा है। तो अगर कभी भी वन डी मोशन आएगा तो आप उसको क्या खुद से खुद सेट कर लो, आप एक्स एक्सिस के लो मान लो, समझाने के लिए केवल, सहूलियत होगा और क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एस भी पुट कर सकते, कुछ भी पुट कर सकते है। एवरेज स्पीड तो समझ में आया ना, एवरेज स्पीड क्या है जी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझते चलिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है ऐसे, यहीं से चलना शुरू किया, कहां से चलना शुरू करा जी, ओरिजिन से। ये क्या है, ओरिजिन, किधर चल रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, ठीक है। मैं मान लेता हूं यहां पे इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोमा जीरो है, कितना है जी, एक्स कोऑर्डिनेट। ओ से कहां तक चला है, ए तक चला है, ओ से कहां तक चला है, ए तक, कोई प्रॉब्लम। मैं बोल दिया कि अगर समझाने के लिए केवल ऐसा कि यहां पे कुछ डिस्टेंस हो किससे चला, वी वन स्पीड से चला, और कुछ कुछ डिस्टेंस किस स्पीड से चला, वी टू स्पीड से चला। बात समझाने के लिए केवल अगर मैं मान लेता हूं कुछ भी, सोचो ना जरा ऐसे, यहां से मैं मान लेता हूं, यहां से आने में समझाने के लिए केवल, यहां से कितना चला, वो वी वन स्पीड से चला, कितना स्पीड से चला जी, वी वन स्पीड से। अरे कोई दिक्कत, किस स्पीड से चला, वी वन स्पीड से। कितना डिस्टेंस तक चला, कितना डिस्टेंस तक चला, एक्स तक चला, एक्स बाई टू, जनरल ही ले लो ना, एक्स वन डिस्टेंस चला, कितना डिस्टेंस चला, एक्स वन डिस्टेंस चला, फिर फर्दर एक्स टू डिस्टेंस जो चला वो वी टू स्पीड से चला। समझाने के लिए केवल मैं बोला कि एक्स वन डिस्टेंस किस स्पीड से चला जी, अब एक्स टू डिस्टेंस किससे चला जी, मैं बोला एवरेज स्पीड बताओ इसका, तो आपके दिमाग में दो ही चीज चलना चाहिए, क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना रहा, एक्स वन प्लस एक्स टू, जिसको एक्स बोल रहे हैं हम लोग, अरे रहा। अब टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना रहा, तो ये सब तो पढ़े हो ना आप लोग, थोड़ा बहुत भी एक्स इक्वल टू यू टी पढ़े हो, तो टी टोटल टाइम एक्स अपॉन क्यू ही ना जी। तो अगर आप इससे एवरेज स्पीड अगर इसमें निकालना चाह रहे हैं, एवरेज स्पीड तो स्ट्रेट लाइन के लोग चल रहा है ना, टोटल डिस्टेंस कितना, एक्स वन प्लस एक्स टू, अरे कोई प्रॉब्लम, अपॉन टोटल टाइम कितना, टी वन प्लस टी टू। अब ए वाला ही ना टी वन बोल रहे हैं, ओ से यहां तक जो बी है, समझाने के लिए बी तक चलने में जो टाइम लगा होगा वही ना टी वन रहा, तो बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा बताइए, एक्स अपॉन वी वन नहीं लगा होगा जी, तो एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन, इसको लिख सकते हैं ना, एक्स वन अपॉन वी वन प्लस वन एक्स टू अपॉन वी टू, अरे कोई दिक्कत है। तो इसी तरह का बात करा जाएगा आपसे, समझ रहे हो, कोई बहुत बड़ा चीज है क्या ये, बहुत ईजी चीज, ऐसे ही फर्दर एक्सटेंड कर देता है, एक्स थ्री भी बोल देता है, एक्स फोर भी बोल देता है, क्या लिखते, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर अपॉन एक्स वन वी वन प्लस एक्स टू बाई वी टू प्लस एक्स थ्री बाई वी थ्री एक्स फोर बाई फोर वी फोर चलेगा, अरे कोई दिक्कत। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के लिए केवल, देखो
मान लेते हैं पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही चल रहा है, 1D हम लोग सेट कर लिए हैं कि अभी एक्स एक्सिस के लॉन्ग पढ़ रहे हैं, एक ही ये बात है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ताकि क्लियर बैठा रहे ब्रेन में। चलो अब बताओ, सोचो जरा आप, कुछ कुछ डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस किस स्पीड से चला जी, v1 स्पीड से चला, ओरिजिन से चलना शुरू किया, v1 स्पीड से चलते रहा पार्टिकल, कितना टाइम के लिए, t1 टाइम के लिए, फिर पार्टिकल चला v2 स्पीड से चला, कितना देर के लिए, कितना टाइम के लिए, t2 टाइम के लिए, समझ रहे हो, फिर चला v3 स्पीड से चला, कितना टाइम के लिए, t3 के, अब रुक गया, अब क्या हो गया, रुक गया कहीं जाकर, समझ में आ रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ देर किस स्पीड से चला जी, v1 स्पीड से, कितना देर के लिए, t1 टाइम के लिए, समझ रहे हो, v2 स्पीड से चला, कितना टाइम के लिए बाबू, t2 के लिए, t3 स्पीड से चला, कितना टाइम के लिए, अरे v3 स्पीड से चला, कितना टाइम के लिए, अब बताइए एवरेज स्पीड के बारे में सोचना है, बताइए टोटल डिस्टेंस कितना, सिंपल ना, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, इस दौरान चला होगा x1 चला होगा ना, x2 चला होगा, x3 चला होगा क्या, अरे यहां से यहां x1 चला होगा, यहां से यहां x2 चला होगा, x3 चला होगा ना, इतना ही ना, तो x1 कितना, v1 t1, x2 कितना, v2 t2, और x3 कितना, v3 t3, तो आप अगर लिखते तो लिख सकते थे कि नहीं, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो ना, तो v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस व्हाट, v3 t3 अपॉन क्या बाबू, t1 प्लस t2 प्लस t3, अरे सिंपल सा चीज है, कोई प्रॉब्लम है, बताइए जरा, ध्यान से बताइएगा जरा ना, मैं मान लेता हूं पार्टिकल है, तुम लोग खुद सोचना जरा, पार्टिकल किधर चल रहा है, ए स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग, किधर चल रहा है जी, ए स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग, कोई प्रॉब्लम, बोल दिया हाफ जो डिस्टेंस कवर करता है v0 स्पीड से चलता है, हाफ स्पीड कितना कवर किया, v0 स्पीड से, और v0 स्पीड से चला, और आप जो हाफ डिस्टेंस है उसमें कुछ देर के लिए v1 स्पीड से चला, और कुछ देर के लिए v2 स्पीड से चला, किस देर के लिए, हाफ टाइम पीरियड के लिए, लिखो ना, इतना कॉपी करो, एक अच्छा क्वेश्चन इरोडो का क्वेश्चन है, लिखवा देता हूँ, बनाइए जरा, पहले इसको कॉपी कीजिए फिर बात करता हूँ, लिखिए क्वेश्चन, पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन covered half the distance with speed v0, covered half the distance with speed v0, rest of the distance is covered with speed v1, for half the time, and with speed v2, for rest half of the time, find the average speed of the particle. Find the average speed of the particle during its entire journey. बताइए जरा क्या बोला, समझ आया आप लोगों को, क्वेश्चन समझ आया, क्या बोला गया बाबू, बता सकते हैं ना आप लोग, यही है पार्टिकल चला ना, ये टोटल डिस्टेंस क्या रहा होगा, मैं मान लेता हूं यहां से यहां टोटल डिस्टेंस 2x मान सकता हूं क्या, अरे कोई दिक्कत है, टोटल डिस्टेंस कितना रहा, 2x, 0 बोल देता हूँ, तो टोटल डिस्टेंस कितना रहा, 2x, अरे कोई दिक्कत, अब इसका हाफ डिस्टेंस क्या रहा जी, x ही ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, x, 0, मतलब यहां से यहां जो डिस्टेंस रहा वो कितना रहा जी, x रहा, कोई प्रॉब्लम, टोटल डिस्टेंस का कोई लोचा ही नहीं है, टोटल डिस्टेंस और 2x पता ही है मुझे, बस मुझे टोटल टाइम निकालना है, अब यहां बताओ यहां से यहां तक जो टाइम लगा होगा, मैं मान लेता हूं यहां t = 0 पे था, यहां आते आते कितना टाइम लगा जी, t = t1, ये अलग चीज रहा, कोई दिक्कत है, समझ रहे हो ना, अब यहां से यहां तक t1 लगा है, यहां से यहां तक t1 लगा है, तो बताओ यहां से यहां कितना टाइम हो गया, बताइए v0 स्पीड से चल रहा है ना जी, तो कितना टाइम हो गया बताइए, t1 = x / v0 हुआ या नहीं, अरे यही टाइम ना रहा, कोई प्रॉब्लम,
यहां से यहां टी वन टाइम लगा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां से यहां कितना टाइम लगा है टी वन। अब यहां से यहां जो टाइम होगा वो यहां से यहां टोटल टाइम टी टू लगा, मतलब टी इक्वल्स लिख सकते हैं टी वन प्लस टी टू। अरे तो इसका मतलब यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा इसको, टी टू टाइम लगा ना जी, कितना टाइम लगा यहां से यहां टी टू। तो हाफ डिस्टेंस हाफ टाइम के लिए चलता है, कितना स्पीड से वी वन स्पीड से, कितना देर के लिए चला टी टू बाई टू के लिए। अरे चला कोई दिक्कत, अच्छा जी किस स्पीड से चला है टाइम, कितना से चला है वी वन स्पीड से। अच्छा अब अगला जो चला है वो किससे चला है बताइए, वी टू से, किस स्पीड कितना टाइम के लिए टी टू अपॉन टू। तो ए जो रहा होगा टोटल यहां से यहां एक सी ना रहा जी ये वाला, तो ए जो दोनों मिल करके बराबर रहा होगा किसके बराबर रहा होगा, एक्स के बराबर रहा होगा कि नहीं। अरे इस दौरान कुछ टाइम कुछ डिस्टेंस कवर करा होगा, स्पीड चला भी वन स्पीड से कितना टाइम के लिए हाफ टाइम के लिए, कितना टाइम के लिए हाफ टाइम के लिए, तो कुछ डिस्टेंस कवर करा होगा। फिर अगला के लिए क्या कवर करा होगा कुछ डिस्टेंस, तो आप बताइए यहां से यहां आने में जो टोटल डिस्टेंस रहा होगा एक्स वो कितना टाइम में कवर किया जी, टोटल टाइम टी टू ना, भी वन स्पीड से हाफ टाइम चला, यहां से यहां टी टू टाइम लग रहा है तो टी टू हाफ टाइम टी टू बाई टू ही ना रहा जी, तो यहां से यहां चला किस स्पीड से वी वन स्पीड से, और बचा खुचा आधा जो टाइम रहा उसमें किस स्पीड से चला वी टू से। तो इसका मतलब एक जो रहा होगा वी वन इंटू टी टू बाई टू प्लस वी टू इंटू टी टू बाई टू रहा होगा कि नहीं। अरे मैं समझा भी पाया या नहीं, तो अब बताओ यहां पे कितना रहा बताइए, बता सकते आपको क्या निकालना है, आपको टाइम ही नहीं निकालना है जी, तो आप बता सकते एक्स इधर क्या हो गया वी वन प्लस वी टू, अरे यही ना भाई क्या टू इंटू क्या टी टू, अरे कोई दिक्कत है क्या, तो बताइए यहां से टी टू किसके बराबर रहा, टू एक्स अपॉन वी वन प्लस वी टू, मेरा काम खत्म, समझ आया। तो एवरेज स्पीड निकालना है, क्या निकालना है एवरेज स्पीड, तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना टू एक्स, टोटल टाइम कितना टी वन प्लस टी टू, यहां से यहां टी वन टाइम लगा है ना, यहां से यहां कितना टी टू टाइम लगा, ये हाफ डिस्टेंस है पूरा, इसीलिए यहां से टू एक्स मान लिया, तो ये वाला कितना है एक्स, तो आप बता सकते हैं क्या रहा बाबू, ये टू एक्स अपॉन टी वन कितना है एक्स बाई वी नोट प्लस ये कितना है टी टू टी वन प्लस, समझ में आया। एक्स एक्स तो ऐसे ही उड़ गया ना जी, एक्स कोमल ले लोगे तो एक्स ऊपर भी उड़ जाएगा एक्स नीचे भी, तो क्या बचा टू अपॉन वन अपॉन वी नोट प्लस टू अपॉन वी वन प्लस वी टू, कोई दिक्कत। अब फर्दर तो आपके लिए इजी ही रहता है, और ऐसे भी आप लोग टेस्ट करा रहे बच्चे हो, तो ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा जी टू वी नोट होगा ना इंटू क्या वी वन प्लस वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू प्लस टू वी नोट, नहीं हो गया देखो तो गलत है क्या, इन दोनों के एलसीएम लोगे तो वी नोट इंटू वी वन प्लस वी टू तो ऊपर ही ना चला जाएगा टू इंटू वी नोट इंटू वी वन प्लस वी टू। अच्छा इसको सॉल्व करेगा तो टू वी नोट प्लस वी वन प्लस वी टू, एक क्वेश्चन लिखो द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग, द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग, द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस व्हिच पोजीशन वेरीज एज एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू 10t माइनस टी स्क्वायर मीटर वेयर टी इज टाइम इन सेकेंड, वेयर टी इज टाइम इन सेकेंड, टी इज टाइम इन सेकेंड फुल स्टॉप। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन 8 सेकेंड, इन 8 सेकेंड, यही है ना जी आपको क्या निकालना है एवरेज स्पीड किस किस में जी, इन 8 सेकेंड, किस कितना सेकेंड में बोला 8 सेकेंड बोला है क्या, इन 8 सेकेंड। अरे कोई प्रॉब्लम, पार्टिकल किधर मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, किधर जी एक्स एक्सिस के अलोंग, अरे यही ना चल रहा है। तो आप बताइए इस तरह का क्वेश्चन के लिए मैं बताया हूं ना डिस्टेंस निकालना सिखलाया हूं ना रे बाबू लोग,
एनर्जी कम क्यों रहता है? अब बताओ क्या करते हैं इसके लिए, याद है? बताएगी सुप्रिया, बताएगी क्या करते हैं जी? फॉर टर्निंग पॉइंट, किस लिए जी? टर्निंग पॉइंट याद है, टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो, वेलोसिटी बिकम्स जीरो, या स्पीड बोलो ना, अभी स्ट्रेट लाइन का बात चल रहा था, टाइम व्हेन स्पीड बिकम्स जीरो। बताइए स्पीड कब जीरो होता है जी? dx by dt equals to zero से इक्वेट करेंगे ना, जिसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कितना आया जी? 10 माइनस 2t equals to zero, t equals to what? 5 सेकेंड। मतलब 5 सेकेंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बराबर होता, अब 5 सेकेंड पे तो निकाल सकते हो ना, बताओ ये जीरो है, t equals to zero पे पार्टिकल दिख रहा है ना, ये ओरिजिन पे है, 10 into 0 minus 0 का होल स्क्वायर जीरो ही ना, तो 5 सेकेंड में कहां पार्टिकल रहा होगा? यहां ना जी। तो बताइए 5 सेकेंड में क्या होगा, बताइए t equals to यहां पे कितना रहा होगा? 5 सेकेंड, बताइए 5 सेकेंड में कितना, 105 निकाल सकते हैं आप, तो 105 कितना, 50 माइनस 25, तो कितना जी? 25 मीटर, कोई प्रॉब्लम? ये 25 मीटर रहा यहां पे, कोई दिक्कत है यहां तक? 25 मीटर रहा, कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, अब बताओ उसके बाद क्या कह रहा है? 8 सेकेंड में पूछा है ना जी, इसका मतलब लौट रहा होगा नहीं, क्या कर रहा होगा? 6, 5 के बाद 6, 7, 8, है ना, 8 सेकेंड यही ना रहा होगा। सोच करके देखो, अगर ये 1 सेकेंड रहा होगा, ये 2 सेकेंड रहा होगा, ये 3 सेकेंड, ये 1 सेकेंड ऊपर लिख रहा हूं, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, यहीं पर लौट रहा था ना, डायग्राम उल्टा बन गया, चलिए उससे कंफ्यूजन में नहीं आना है। ये क्या 1 सेकेंड रहा होगा ना, ये कितना सेकेंड रहा होगा जी? 2 सेकेंड, ये कौन सा सेकेंड? 3 सेकेंड, और ये कौन सा? 4 सेकेंड, और ये क्या है? 5 सेकेंड, तो ये वाला कौन सा रहा होगा जी? 6 सेकेंड, ये कौन सा? ये कौन सा? ये कौन सा? और ये कौन सा? 10 सेकेंड, ये सब पढ़ा हुआ है ना। तब बताइए किस सेकेंड पे पूछा है जी? 8 सेकेंड, 8 सेकेंड मतलब 102 घटा सकते हैं ना आप, तो अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या कीजिएगा बताइए आप? टोटल डिस्टेंस बताइए, पहला 105 प्लस 102 ले लें क्या? 102 लो या 108 लो, तो आप लोग 108 भी लेकर के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 और 2 का वैल्यू सेम ही ना आएगा। 108 लो या फिर 102 ले लो, क्योंकि 108 जो होगा और 102 दोनों तो बराबर होने वाला है। अरे होना है, देखो ना पुट करके यार, 80 माइनस 64 होता ना, 80 माइनस 16 आया, अच्छा 2 पे पुट करके देखो, 20 माइनस 4 16 मीटर आया कि नहीं, तो 108 पुट करो, 102 पुट करो, बात बराबर ना, तो बताओ 105 कितना? 25, अरे होगा, और 102 कितना? 16 हो गया कि नहीं, कितना हो गया बताइए? 41 हुआ क्या? 41 मीटर। अब बताइए एवरेज स्पीड को किससे मतलब है रे बाबू? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना? 41 मीटर, और टोटल टाइम कितना लगा है? 8, यही ना हो गया, लगता है नहीं समझ आया, अरे उल्टा हो गया ना, ये बोलना चाह रहे, बिल्कुल सही ना, ये वाला क्या था? 108 था ना, यहाँ पे डिस्टेंस 8 सेकेंड में डिस्टेंस निकालना था ना, तो ये वाला ना डिफरेंस ये हो गया ना, 105 माइनस 102 108 ना, गुड, तो 25 माइनस ये कितना हुआ? 8 ना, ये घटा ना, कितना घटा जी? 16 ना, तो 25 माइनस 16 तो कितना हो गया जी? 34, तो 34 और क्या हो गया ये? 25 माइनस 6 कितना? 9 ना, तो 9 इज 34 अपॉन 8, गुड, वेरी गुड, चल समझ आया। एक और क्वेश्चन लेना चाहोगे क्या? लिखो, लो 80 माइनस टी स्क्वायर कर दो, 80 माइनस टी स्क्वायर करो और बताओ इन 6 सेकेंड, इन 7 सेकेंड डिस्टेंस निकालते हैं ना, डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना सीख गए ना आप लोग, टर्निंग टाइम कितना पे आया जी? टर्निंग टाइम आया, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएट किया 4 सेकेंड ना, तो डिस्टेंस क्या हो गया? 104 प्लस क्या हो जाएगा? 104 माइनस क्या लिखिएगा बोलिए, कितना? 3 सेकेंड ना बचा है, तो क्या करोगे? 103 करे कि क्या लिखे?
अरे बात सोचो जरा, यहां से ऐसे चल रहा है ना, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड रहा, ये क्या रहा, 5 सेकेंड, ये 6 सेकेंड, ये 7 सेकेंड ना रहा। तो बताओ अगर इस पे पूछा है तो क्या कर सकते हो, ये वाला भी तो घटा सकते हो, x1 भी तो घटा सकते हो। अरे समझ आया, कोई दिक्कत क्यों ऐसा x में एक ये पता चला, 4 टोटल 8 हो रहा था ना, तो 7 पूछा है तो एक ही कम ना, 8 सेकंड में रिटर्न होता ना। गुड, तो बताइए 104 कितना हो जाता बताइए, 32 माइनस 16 हो जाता ना, प्लस ये क्या हो जाएगा, 32 माइनस 16 माइनस x1 क्या हो जाएगा जी, 8 माइनस 1, अरे समझ रहे हो, 7 क्या, तो बताइए जरा ये 32 16 प्लस 9 यही ना, तो 25 मीटर होगा। गुड, तो बताइए एवरेज स्पीड किससे मतलब है इसको, टोटल डिस्टेंस कितना 25, टाइम कितना लगा, तो यही मीटर पर सेकेंड ना हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी नहीं समझ आया, ये सब पे गौर कर लोगे ना। अब बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी, किसकी बात करेंगे हम लोग, वेलोसिटी, इसमें भी लिखते चलिए क्या है यार, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लिखो एरो दे करके लिखते चलो, छोटा छोटा सा बात, क्या लिखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्केलर है वेक्टर, वेक्टर कैसा है, वेक्टर। अब यहाँ पे देखो ऐसे सीधे वेक्टर क्वांटिटी बोले हो ना, यहाँ पे मार्क करो ऐसे क्वेश्चन, मतलब अभी चर्चा है, क्योंकि वेलोसिटी भी दो तरह का ना, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसलिए मार्क करके रखो, यहाँ पे बना दो खतरा, पता नहीं लिख लेना, डेंजर जोन। थर्ड क्या लिखोगे, यूनिट बताओ, अरे वेक्टर के बाद खतरा, खतरा का डायरेक्शन बताओ, डिजाइन करो अच्छे से, खतरा नोटेशन बनाओ, वहां लिखो खतरा, खतरा लिख, खतरा लिख, हिंदी आता है कि नहीं देखता हूं, खतरा, चलो अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ थर्ड एरो में क्या लिखे, एसआई यूनिट क्या रहे बाबू लोग, मीटर पर सेकंड, वेरी गुड। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या जी, M0, L1, T-1, अरे सब तो पढ़ा हुआ है ना रे बाबू। अच्छा जी, वेलोसिटी में भी कितने तरह का बताइए, वेलोसिटी में भी कितने तरह का बात करेंगे हम लोग, जब भी वेलोसिटी का अगर जिक्र चलेगा तो वेलोसिटी कितने तरह का, दो तरह का दिमाग में बात चलना चाहिए, कौन कौन सा बाबू, एवरेज वेलोसिटी, कौन सा, एवरेज वेलोसिटी, और दूसरा कौन सा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कौन सा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कोई प्रॉब्लम, देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बाबू, तो देखो एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करोगे, भी एवरेज, देखो यहां ऐसे दे रहा हूं, कभी इस तरह का सिंबल यूज कर रहे हैं ना, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, बार बार ऐसे नहीं लिख सकते तो ऐसे भी लिख सकता हूं डायरेक्ट, समझ रहे हो ना, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बताइए, आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर एट टाइम टी अपॉन डेल्टा टी, एम आई राइट और नॉट, अभी देखो थोड़ा सा बड़ा दिखने लगा है, इसको लिख दो, यही ना डेल्टा आर माने हैं जी, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी क्या है, एवरेज वेलोसिटी, क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे किसके बारे में गौर करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पे गौर करोगे और टोटल टाइम पे ना, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आप लोग के दिमाग में चलना चाहिए कि सर एवरेज स्पीड का तो क्वेश्चन बहुत सारा करा दिया, इंस्टेंटेनियस स्पीड में नहीं कराया, लगता है सर को आता नहीं है, स्किप कर गए, ऐसा कुछ नहीं है, स्पीड में समझाने का कुछ है ही नहीं, वही चीज तो समझेंगे, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलग मूव कर रहा है तो स्पीड डिस्टेंस एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सब बराबर है ना, तो एवरेज वेलोसिटी पे अगर बहुत सारा क्वेश्चन कर ले तो स्पीड तो उसी में कवर हो गया ना जी, इसलिए उसमें नहीं, जो क्वेश्चन था वो करा दिया, कोई दिक्कत है। अच्छा एवरेज वेलोसिटी भी तो बोल सकते थे जो पहला जो क्वेश्चन किया आप लोग, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री तो स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही ना है, बगैर डायरेक्शन चेंज की हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बराबर ही ना होगा, तो अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे व्हेन पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन, देन एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। इससे तो छोटा मोटा बात है ना जी, बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही बराबर है, तो वेलोसिटी भी बराबर और स्पीड भी बराबर। लेकिन एक बात याद रखना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका मॉड लेंगे। उसका क्या लेंगे? मॉड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड याद करो, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर बोला था क्या, कि मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोला था डिस्टेंस के बराबर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी ना है जी, तो उसका थोड़ा सा रेस्पेक्ट देंगे ना, उसको थोड़ा सा इज्जत का एहसास होना चाहिए ना, तो इज्जत देना है उसको कि वेक्टर मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन पे भी गौर करना है। समझ में आया? चलिए, पता नहीं केवल मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम लोग सुनता भी है या पता नहीं। चलो हो गया, क्लियर है? तो एवरेज वेलोसिटी में क्या सोचोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पार्टिकुलर इंस्टेंट। अब इस पर पूरा अच्छे से चर्चा करा जाएगा, लेकिन अभी तो इतना याद रख लो। क्या हो जाएगा बताइए? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट भी इंस्टेंटेनियस लिख दू क्या? ऐसे क्या हो जाएगा? लिमिट ही लेते हैं जी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। बताया हो ना, डेल्टा टी जीरो होने का मतलब क्या होता है? ये डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया? बोलो ना रे बाबू, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया? डीवी अपॉन डीटी। कोई प्रॉब्लम? अरे कोई प्रॉब्लम? अरे समझ आया? पता नहीं, अब थोड़ा सा ये मांगता है, थोड़ा सा ये डिटेलिंग मांगता है। अब बताओ, याद करो, भी इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? भी इंस्टेंटेनियस। ये क्या है? इसको ए बोल रहे, भी इंस्टेंटेनियस डीआर बाई डीटी ना जी। क्या यार, ज्यादा मॉर्निंग वॉक हो गया आज लगता है। समझ में आया? क्लियर है? क्या हो गया? डीआर बाई डीटी ना। ये क्या हो गया? डीआर बाई डीटी। अब बताओ, देखो डी बाई डीटी आर, बताओ जी बाबू शुभश्री, आर पढ़े हैं पोजिशन वेक्टर, इसको इसी के टर्म में ना पढ़े हैं जी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एम आई राइट और नॉट? बताओ जी बाबू, किसी भी पोजीशन वेक्टर लिखे थे ना, याद है ना? ये अगर एक्स होता था, ये वाई होता था, ये जेड होता था, तो ये क्या होता था? पोजीशन वेक्टर लिखते थे ना, पॉइंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड। पढ़े हैं कि नहीं? एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका कुछ पोजिशन होता था, वाई एक्सिस के लॉन्ग कुछ पोजिशन होता था, जेड एक्सिस के लॉन्ग होता था कि नहीं? इसका डायग्राम बनाते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स किधर है? इधर ना, इधर एक्स चला होगा, वाई किधर? इधर, वाई इधर, और जेड किधर? ऊपर। ऐसे ही ना चला होगा, ये वाला एक्स रहा होगा, ये वाला क्या वाई, और ये वाला जेड रहा होगा कि नहीं? ये सब पढ़ा हुआ है ना, सब अच्छे से पढ़ाया हूँ कि नहीं? अरे मैं ही तो पढ़ाया हूँ यहाँ। अरे यार पढ़ाया हूँ ना, गुड। तो ऐसा रहा, कोई दिक्कत है? तो आप बताओ ये क्या लिख सकते हैं? डी एक्स बाई डी टी आई कैप लिखोगे प्लस डी वाई बाई डी टी प्लस डी जेड बाई डी टी। हाँ रुकना यार, के कैप होगा। अब बताओ डीएक्स बाई डी टी, डीएक्स बाई डी टी किसके बराबर बाबू? लिख सकते हो ना, डीएक्स बाई डी टी की अगर बात करो तो डीएक्स बाई डी टी आगे चल करके पढ़ोगे, ये क्या हो जाए? इसी वी एक्स आई, ये क्या है? वी वाई जे, और ये क्या है? वी जेड के कैप। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब हम लोग, अभी तो पहला तो स्टार्टिंग करना, हम लोग को 1D और 2D ही ना पढ़ना है केवल जी। तो 1D में केवल हम लोग एक्स एक्सिस को ही कंसिडर करेंगे, और 2D में दोनों को कंसीडर करेंगे, 3D तो पढ़ना ही नहीं है, 3D तो जरूरत भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आप यहीं से चलोगे, समझ में आया? तो अगर 1D के लिए बात करें, 4 1D, मैं बोला हूं ना कि जब भी वन डायमेंशनल मोशन हो तो वन डायमेंशनल मोशन के लिए कौन सा एक्सिस कंसीडर करना, प्रेफर किसको करना? एक्सिस को। हालांकि जेड को भी कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी एक्स किसके बराबर रहा बताइए? डी एक्स बाई डी टी होगा कि नहीं जी? अरे यार बोलना। वी वाई किसके बराबर रहा? dy by dt, अरे रहा। और vz किसके बराबर रहेगा? dz by dt। ये क्या बता रहा है? x एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग, z एक्सिस के लॉन्ग। बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? समझ में नहीं आया? अरे समझ में नहीं आया, कॉपी करो। देखो अब क्या था, यही ना था आपका जी बाबू? अरे प्लेन तो यही ना था, x था और ये क्या था? y। अब पार्टिकल यहां से चल रहा था, ऐसे इनिशियल पोजीशन था, ऐसे जा रहा था, ऐसे 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 फाइनल यहीं पहुंचा था ना। तो अगर आपसे पूछता कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बताइए, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बोल देता है यहाँ पे बताइए। तो ये आपको यहाँ पे क्या करना था? टेंजेंट खींच देना था ए पॉइंट ए पे। तो क्या हो जाता? इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए। पूछ देगा यहाँ पे डायरेक्शन बताइए, तो यही ना डायरेक्शन हो जाएगा जी बी पे। तो क्या कहते हैं? दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट पार्टिकल पॉइंट, वेलोसिटी एट पॉइंट बी।
अगर बोल देगा यहाँ पे बताइए तो ये क्या होता, डायरेक्शन सी पॉइंट पे किधर होता, वीसी होता ना रे बाबू। कौन सा वेलोसिटी है ये? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर कभी कर्व पे पूछे तो जस्ट यू हैव टू स्केच द टेंजेंट टू दैट कर्व एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, इज इट? बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? डेल्टा आर पे ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां से कहां जी, ये किसका डायरेक्शन रहा? ये सब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन रहा। किसका डायरेक्शन रहा? लेकिन अगर बोले कौन सा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन यही ना होगा। ये किसका डायरेक्शन हो गया रे बाबू? एवरेज वेलोसिटी। किसका डायरेक्शन हो गया? एवरेज वेलोसिटी। कोई प्रॉब्लम है? एवरेज वेलोसिटी का यही डायरेक्शन। कोई प्रॉब्लम? कॉपी करो, इसको नोट करके अच्छे से लिख लेना आप लोग। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रहा? टेंजेंट के लॉन्ग ना। और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रहा? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ, मोशन अलोंग और लाइन, या मोशन अलोंग वन डायमेंशन। ना 1D के लॉन्ग मोशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना हम लोग। किसके लॉन्ग बाबू? 1D के लॉन्ग। कोई प्रॉब्लम? तो अब बताओ, आपका सोच करके देखो, एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? वी एवरेज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे। अरे कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया आपका? एवरेज वेलोसिटी। क्या हो गया आपका? ये एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, अब अगर बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, किसकी बात करें हम लोग? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो क्या हो गया? वी इंस्टेंटेनियस दैट इज इक्वल टू व्हाट? डीएक्स अपॉन डीटी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। तो प्रॉब्लम, दिक्कत? तो यहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं आप, ऐसे रहा। तो अब बताओ जरा, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करना चाहूं तब कर सकता हूं ना? यहां डीएक्स लिखने का रीजन है, डीएक्स वेक्टर लिखने का रीजन है। क्या रीजन है बताइए जरा? पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है तो रिवर्स भी तो हो सकता है, अपना डायरेक्शन रिवर्स भी तो कर सकता है। तो वहां तो डिस्प्लेसमेंट अलग ना हो गया? और dx अगर लिखते तो आप उसको डिस्टेंस समझ लेते। तो dx क्या है? डिस्प्लेसमेंट ही। x क्या है? x वेक्टर क्या है? ये जो x डेल्टा x क्या है? डिस्प्लेसमेंट ही ना है जी। बात समझ में आया? तो यहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। जैसे देखो, अगर कभी भी बोल देता है v इंस्टेंटेनियस, v इंस्टेंटेनियस क्या रहा पता चला ना? dx अपॉन dt। अब अभी याद रखना, वेक्टर का नोटेशन के साथ चल रहा है, समझ में आ रहा है ना? यही चीज लिखे, लेकिन ये लिखने के पीछे रीजन है कि अब आप पूरा यूज कर सकते हैं इसके साथ कैलकुलस। क्या यूज कर सकते हैं आप? पूरा कैलकुलस यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? क्या यूज कर सकते हैं आप? कैलकुलस। क्यों? ये क्या दे रहा है आपको? ये इंस्टेंटेनियस स्पीड दे रहा है। क्या दे रहा है? इंस्टेंटेनियस, सॉरी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रहा है। क्या दे रहा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है तो बस यही ना गौर करना है कि डायरेक्शन रिवर्स हुआ है या नहीं हो रहा है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी दे देगा कि नहीं? अरे इंस्टेंटेनियस स्पीड भी दे देगा कि नहीं? लेकिन बस फर्क इतना है कि एवरेज स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगा, एवरेज स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगा। एवरेज स्पीड या तो जीरो हो गया तो पॉजिटिव होगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अरे समझ रहे हो ना? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से ही ये सब बात बताया गया, चर्चा किया गया। अरे समझ आ रहा है? तो अब देखो, जैसे अगर बात करते हैं तो यहां पे कैलकुलस का एंट्री होता है। अब बता सकते हो यहां से दो चीज सीखे हो ना? पहला देखो, कोई किताबी बात नहीं कर रहा हूं, एकदम आराम से समझते चलिए। पहला और दूसरा, एक तो डिफरेंशियल के अप्रोच से, डिफरेंशिएशन के अप्रोच से जाएंगे, और एक इंटीग्रेशन के अप्रोच से। बताइए, यहां से अगर लिखते भी इक्वल्स टू क्या? डीएक्स बाय डीटी, तो ए क्या दे दिया आपको बताइए? पहला बात, एक्स जो होगा यहां पे, एक्स जो होगा पोजिशन, एक्स अगर बात करते हैं या तो फंक्शन ऑफ टाइम होगा या फिर कांस्टेंट होगा या फिर क्या होगा?
कांस्टेंट हो, अगर कैलकुलस चल रहे हैं तब, कैलकुलस से चल रहे हैं तब। यहाँ पे एक्स क्या होगा, एक्स जो है वो या तो किसका फंक्शन होगा, टाइम का होगा, या तो फिर कांस्टेंट होगा। टाइम के अलावा तो कुछ होगा नहीं ना, क्योंकि ये डेरिवेटिव है किसका, एक्स का टाइम के रेस्पेक्ट में ही ना। तो अगर ऐसा रहा तो वी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी क्या दे देगा जी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए पार्टिकुलर टाइम, वेलोसिटी एट ए पार्टिकुलर टाइम। अरे देगा, अच्छा अगर फिजिकल मीनिंग को छोड़ करके चलें ज्योमेट्रिकल मीनिंग से, अच्छा है बाबू शो रहा है, क्यों नहीं शोएगा, इतना बोरिंग लेक्चर चलेगा तो, समझ आ रहा है। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व क्या दे देगा जी, वेलोसिटी नहीं दे देगा, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व, स्लोप ऑफ व्हाट, पोजीशन मतलब एक्स ना, पोजीशन टाइम कर्व बोला जाता है इसको, एक्सटी कर्व बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सटी कर्व एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, एट ए पार्टिकुलर पॉइंट गिव्स, अब बार बार नहीं बोलते रहूंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो क्या मैं लिख देता, गिव्स वेलोसिटी। अरे दिखा, अभी तो कुछ दिखेगा नहीं लेकिन दिखा रहा हूं, देखो जैसे ऐसा बोल दिया यहाँ पे, क्या बोला, ये एक्स है, इसके लोग क्या दिखा दिया जी आपको, इसके लोग एक्स दिखलाया है। अब एक्स से कंफ्यूज मत होना, और टाइम, टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, टी डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट ना, लेकिन एक्स क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल ना है। तो जब भी अगर मिले टी, टी को तो हम लोग डिसीजन लेते हैं, हम लोग जो मन में चाहे वो वैल्यू पुट कर देंगे, उसी के अनुसार नेक्स्ट को एडजस्ट होना पड़ेगा जी। तो अगर कभी कोई ग्राफ इस तरह का दिखला दिया, ऐसे कभी कोई ग्राफ दिखला दिया इसी तरह, जैसे देखो ऐसे कहीं पे भी, ऐसे समझाने के लिए केवल, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, देख रहे हो, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे दिखा दिया, ऐसे समझाने के लिए केवल। तो अब बताओ जरा, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ टाइम दे दिया 2 सेकेंड है, ये क्या है 4 सेकेंड है, ये क्या है 6 सेकेंड है, अरे है, और ये क्या 10 सेकेंड है, ये दे दिया कितना 10 मीटर, कितना दे दिया जी बाबू 10 मीटर, और ये क्या दे दिया यहाँ पे 20 मीटर। ये सब पढ़े हुए हो तुम लोग, इसलिए थोड़ा बहुत बात करके निकल जाऊंगा मैं। अरे दिया, तो अब क्या देगा बताइए, इंस्टेंटेनियस फिर एक्स टी कर्व है ना, पहला बात बताओ तो ये 1D मोशन है 2D मोशन है, एक कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, 1D मोशन को या 2D मोशन को। अरे गजब लड़का हो यार, 1D मोशन है 2D मोशन है, यार फिर से सोच कर बोलो। देखो प्राची बताएगी 1D या 2D, देखो 1D ही ना मोशन है, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग ही ना चल रहा है जी। अब देखो 0 से 2 सेकेंड तक चलाओ, कहां से 0 से 2 सेकेंड तक चला तो कितना कवर करा जी वो डिस्टेंस, अरे 10 मीटर है डमरू, 0 से 10, 0 से 2 सेकेंड 10 मीटर। अब वहां पे वो रुक गया 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक, टाइम सेकेंड में है रे बाबू, इतना समय है ना, और एक्स मीटर में है, लिख देता हूं, अरे कोई दिक्कत। अब वहां पे 2-10 मीटर पे जाकर के बैठ गया एकदम आराम से, हो सकता है चाय वगैरह पी रहा है, वहीं पे चाय का चुस्की ले रहा है एकदम, 2 सेकेंड से कितना सेकेंड तक, 4 सेकेंड तक, वहां पे वेलोसिटी खत्म ना। अब चल के भी दौड़ रहा है क्या, चाय पीते पीते दौड़ रहा है क्या, ऐसे भी दिख रहा है 10 मीटर ही ना पोजिशन उसका दिखला रहा है। देखो ग्राफ थोड़ा सा ऐसे चला है तो उसमें मत जाना, ऐसे है, समझ में आ रहा है ना। अरे सब मैं पढ़ाया हूँ, सर पढ़ाया कि नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो अब 4 सेकेंड, अब 4 सेकेंड से 6 सेकेंड क्या करा, फिर से रास्ता नापा, किधर गया, 20 मीटर पे चला गया, कितना सेकंड है, 4 से 6 सेकंड तक। अब 6 सेकंड से 10 सेकंड के बीच क्या करा, सीधे जो यू टर्न मारा है वो सीधे, देखो यू टर्न मारा है 20 मीटर से ना, सीधे लौट गया कि नहीं, जहां से चला था वहीं, लगता है यहाँ पे फोन आ गया घर से, क्या कर रहा है, आराम से लौट गया कि नहीं लौट गया, समझ में। तो 0 से 2 सेकेंड तक क्या, कितना कवर किया 10 मीटर, 2 से 4 सेकेंड तक पार्टिकल वहीं पर रहा, 10 मीटर पे ही रुका रह गया, फिर थोड़ा सा हिम्मत करके चला 4 से 6 सेकेंड थोड़ा आगे बढ़ा, 20 मीटर तक चला, फिर 20 मीटर के बाद क्या करा, फिर जो यू टर्न मारा है पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। अब यहाँ पे बताओ, यहां से यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव, अरे यहां से वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव, 0 से 2 सेकेंड तक वेलोसिटी पॉजिटिव कितना, अरे स्लोप निकालने आता है ना डमरू, 10/2 5 मीटर पर सेकेंड रहा कि नहीं, अभी भी नहीं समझ में आता है। तो 0 से 2 सेकेंड तक किस वेलोसिटी से चलाओ, 5 मीटर पर सेकेंड से, और 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक क्या करा, रुका रहा, रेस्ट में रहा, 4 सेकेंड से 6 सेकेंड तक कितना स्पीड से चला, अब स्लोप निकालने आता है ना, इसका कोऑर्डिनेट कितना जी,
4.10 ना, और इसका कोऑर्डिनेट कितना 20.6, अरे आता है ना 4.10 और 20.6 ये सब बताया गया है, तो स्लोप निकालने आता है ना आप लोग को, ये 4.10 रहा और 6.20 ना, 6.20 तो बताओ ये 20 - 10/6 - 4 ना, तो 10/ कितना जी 2.5 ही आया ना। ये मत सोचना कि बस ऐसा ट्रेंगल बनाने लगना, बताया गया है ना स्लोप निकाल, तो यहाँ फिर से चला 10 m/s से चला कि नहीं चला। अब फिर उसके बाद क्या किया हो, लौट रहा है मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हुआ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है कि नहीं, अब लौट रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव हुआ कि नहीं, कितना वेलोसिटी से आया रे बाबू लोग, समझ आया। तो अगर आपसे बोल देता कि बताइए तो जरा 0.5 सेकंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना था, अरे हाँ यार 0 से 2 सेकंड तक तो वेलोसिटी सेम ही रहा ना, तो 5 सेकंड पार्टिकुलर टाइम पे ने पूछा वेलोसिटी आपसे, तो पार्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी कितना रहा, नहीं समझ रहे हो, गुड। अब बताओ अगर बताया जाए तो 1.9 सेकंड में पार्टिकल वेलोसिटी कितना रहा, 1.9 सेकंड में कितना वेलोसिटी, नहीं 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 नहीं, अरे 0 से 2 सेकंड तो कांस्टेंट है ना जी, स्लोप चेंज कर रहा है क्या, इतना स्लोप पढ़ा है लगता है ना कि एकदम, नहीं समझ आया, तुमको भी स्लोप पढ़ा है याद आ गया मुझे, तो बताओ 0 से कितना है जी बाबू 2 सेकंड तक, तो 0 से 2 सेकंड तक वही स्लोप ना रहा, तो 0.3 सेकंड पे भी पूछे तो वेलोसिटी कितना, 1.99 सेकंड पे वेलोसिटी कितना, सच में आया, क्लियर है। अब बताओ 2.3 सेकंड पे वेलोसिटी कितना, अरे यार 4.5 सेकंड पे वेलोसिटी कितना, 3.9 सेकंड पे कितना वेलोसिटी, ये क्या निकाल रहे हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं निकाल रहे, अरे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे, बोल देगा अगर बताइए जरा 6.3 सेकंड पे कितना वेलोसिटी, तो समझ में आया 4/20/4 स्लोप निकालने आता है ना दो पॉइंट के बीच, सबका कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करने आता है ना, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं ना है, बताया हुआ है तो समझ आया, कोई दिक्कत, अच्छा एक तो बात इस तरीका रहा, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग से चले गए, ठीक है। अच्छा अब अगर बोल देता जैसे एक्स ही दे दिया, जैसे बोल दिया x²t²+5t+2 मीटर है, अरे है ना, अब बोल देता आपसे बताइए वेलोसिटी बताइए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए t = 2 सेकंड पे, तो यार क्या करोगे, t = 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं निकालने आता है, ये सब पढ़ा हो ना, पास आउट बच्चे हो, भले ही नीट का तैयारी कर लेंगे पास आउट हो ना, तो अब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं निकाल दोगे, बताओ क्या हो जाएगा, अरे बोला रे 2t² + 2t + 5 तो 2 × 2 + 5 कितना हो गया जी, 9 m/s आ गया ना, अरे कोई दिक्कत, ये टफ है, ये बोरिंग पार्ट है कि नहीं, सिंपल बोरिंग पार्ट है, ये सब समझ आ रहा है, चलिए अच्छा चलते हैं, अभी सब बात बताता हूँ, अभी इस पर बात करेंगे, मतलब समझा रहा हूँ केवल। अच्छा अब यहाँ से ही अगर सोच सकते हैं तो dx किसके बराबर हो गया जी बाबू, dx = v × dt लिख सकते हैं कि नहीं, अरे dx = v × dt लिख सकते हैं, तो अब यहां से बताइए दो चीज से चलेंगे, dx = v dt आप लिखे तो एक तो पहला तरीका रहा, मैं पहले ही रिपीट कर रहा हूं, अब वेलोसिटी किसका फंक्शन है, या तो टाइम का फंक्शन हो गया तो कांस्टेंट होगा वेलोसिटी, यहां पे मैं बोला था ना x क्या है, x या तो टाइम का फंक्शन है या तो फिर कांस्टेंट होगा, अरे यही ना होगा, अब यहां पे वेलोसिटी dx वेलोसिटी या तो टाइम का फंक्शन होगा या फिर क्या होगा कांस्टेंट होगा, क्या होगा कांस्टेंट, कोई दिक्कत, सारा न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम से सब चीज क्लियर कर लेंगे। अच्छा इसका भी एक तो अप्रोच हुआ फिजिकल मीनिंग जो चलते हैं, वो क्या हो जाएगा बताइए, आप निकाल सकते हो dx = क्या कीजिएगा, dx = v dt है, तो अगर x निकालना है तो इंटीग्रेट कर दीजिएगा कि नहीं जी, तो अगर वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं दे देगा, डिस्प्लेसमेंट ही ना देगा रे बाबू लोग, डिस्प्लेसमेंट देगा कि नहीं, जहां से जहां निकालना हो तो क्वेश्चन के अनुसार बात कर लेंगे, लेकिन इतना याद रखना वेलोसिटी किसका फंक्शन होगा, या फिर यहाँ पे dx/dt लिखो, x किसका फंक्शन होगा, या तो टाइम का या तो कांस्टेंट, अरे यही ना होगा जी। अच्छा एक तो ये फिजिकल मीनिंग रहा, एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग के साथ चलिएगा तो बताइए एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व क्या दे देगा, लेकिन वो बाउंडेड एरिया होना चाहिए, याद रखिएगा, जैसे अगर मैं मान लेता हूं यहां पे यही लिया, ये 1D मोशन है 2D मोशन, अभी कैसे पता चल गया जी,
पढ़ ही रहे हैं हम लोग 1D ना, ए वेलोसिटी और ए क्या है टाइम, टाइम दिखला दिए, चलो यही लेते हैं डायग्राम, मुझे एक ही डायग्राम आता ही है और यही हमेशा यूज करता हूँ। पूछो क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें हर तरह का केस आ जाता है, ढूंढ सब केस इसमें आ ही गया, ट्रेंगल भी आ गया, स्क्वायर भी, रेक्टेंगल भी, ट्रेपेजियम भी, और क्या चाहिए, सर्कल का एरिया निकालोगे। अरे समझ आ रहा है, तो ये बताओ, ये मान लेता हूं यहाँ पे 2 रहा, यहाँ पे क्या रहा, ये 4 और ये क्या रहा 5 और ये क्या रहा 10, टाइम किसमें हिस रहा। चलिए अब बताए इसको क्या बोल देना है, नहीं समझ में आता तो मन ही मन चिपका रही हो एकदम, ले एक और ऐसा नहीं ना है, अभी नहीं समझ आ रहा इसको, मैं समझ गया, वेलोसिटी किसमें है मीटर पर सेकेंड, बात समझ में आया, डायग्राम भी थोड़ा सा लकवा मारा हुआ लग रहा है जी, अब समझ रहे हो ना, चलो अच्छा है, अब बता सकते हैं आप, अब बताइए जरा किसका, किससे एरिया, टाइम एक्सिस से ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव ना, तो एरिया बाउंडेड बाय वेलोसिटी टाइम कर, ये वेलोसिटी टाइम करना है वाला जी, ये वाला क्या है वेलोसिटी टाइम कर, ये वाला क्या है वेलोसिटी टाइम कर, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर क्या देगा, हाँ एरिया अंडर चेंज इन पोजिशन रे, ढूंढ डिस्प्लेसमेंट ही देगा, चेंज इन पोजिशन दिया दैट इज वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट ना, चेंज इन पोजिशन ही डिस्प्लेसमेंट है, थोड़ा समझ आ रहा है ना, ज्यादा पढ़ा दिया लगता है लोगों को, एरिया अंडर कौन सा कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स चेंज इन पोजिशन, गिव्स चेंज इन पोजिशन, और चेंज इन पोजिशन क्या है, वही ना डिस्प्लेसमेंट है जी, ये सब बोलने की जरूरत है, चेंज इन पोजिशन ही क्या है डिस्प्लेसमेंट, आप लोग पढ़ करके आइएगा ना, अब अगले दिन बात करेंगे, ठीक है।